आज हम लोग यहाँ पर आम खबरस्तान जिसे बटो कहा जाता है वहाँ पर हैं यहाँ पर एस और पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर्स जो भी कोविड नाइन्टीन से इंतकाल होते हैं उनके अहले ख़ानदान के लोग तदफीन करने के लिए जो डर रहे हैं इसमें बड़ी बहादुरी के साथ बढ़ चढ़ कर ये लोग सवाब दारिया के हैसियत सवाब के नियत से इनको तदफीन करने के लिए तैयार होकर आगे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो नेशनल टीम है नेशनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट उनकी जेर निगरानी एक ग्रुप ऐसा तश्ील हुआ है जिसका नाम है रेस्क्यू एंड रिलीफ ग्रुप उसके तहत जो भी बाढ़ आती है जलजला आता है एक्सीडेंट होता है ऐसी तदफिन एक्सीडेंट में जो इंतकाल होते हैं इनको बड़े ही प्रोटोकॉल के तहत हेल्थ के प्रोटोकॉल के तहत इनको ट्रेनिंग दी जाती है जिस तरह कोविड 19 के जो भी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी करे हैं उसे पूरे मुकम्मल तौर पर ध्यान में रखते हुए पॉपुलर फ्रंट और एस के कैडर्स सोशल डिस्टेंसिंग मास्क सैनिटाइजिंग सेल्फ सैनिटाइजिंग ये सारे चीज़ों का ख्याल करते हुए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर जाने के बाद पूरे 100 परसेंट इस्लामिक रसूमात से जो भी शरीयत में मिट्टी देते वक्त जो दुआ पड़ी जाती है नमाज जनाजा ये सारे चीजों को हम अमल में लाते हुए इज्जत के साथ मुसलमान भाइयों की जो लाशें हैं उसे तदफीन करने के लिए शहर करनोल के पॉपुलर फ्रंट के कैडर्स बहादुरी के साथ आगे आए हैं आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि आप हमें अपनी दुआओं में ख्याल रखें ऐसे वक्त पर आन वक्त पर आपको इजाज़त नहीं है अहले ख़ानदान को आकर तदफीन करने के लिए कहा जा रहा है ये बड़े दुख की बात है मरने के टाइम पर भी यहाँ पर सियासत गर्म होती जा रही है इसे हम सख्ती के साथ इसे इसे हम कंडम करते हैं और आप लोगों को कहते हैं पूरे रसूमात के साथ इस्लामिक रसूमात के साथ अगर अहले ख़ानदान वाले कोविड 19 के पॉजिटिव पेशेंट जो मरे हैं वो अगर आकर तदफीन करते हैं तो पॉपुलर फ्रंट उन्हें सलाम कर कर हम पीछे हट जाएंगे अगर आप नहीं कर सकते हैं और इस्लामिक रसूमा पूरे अदा नहीं कर सकते हैं तो आप रात के 12 बजे भी पॉपुलर फ्रंट के कैडर्स को याद कर कर हमें हमारे खिदमत से आप फायदा उठा सकते हैं असल अली हुसैन है मेरा हमारा गौ हेल्थ प्रॉब्लम के हिसाब से हमारे बा का नाम आ गए अनवर हुसैन हमें वी सी कॉलोनी के हैं भाई नंदयाल में हमारा बा हेल्थ प्रॉब्लम है उसी लेखा को बढ़िया अस्पताल में लगे के उससे हर वक्त सताती हैं हर वक्त करती लास्ट टू हमारे बाबा की डेड बॉडी देने के लिए भी बड़ा किरकिरी करी भाई हाँ उस टाइम में मैं एच डी पी ए पॉपुलर फ्रॉफ इंडिया भयान के पास गया हूँ मेरी तकलीफ़ सुनाया हूँ उनको भयाम सूर तुम्हारे बाबा को हमें है तो दिन क्या डरनों को बोल को इस टाइम में इस वक्त तक तीन दिन से भया मेरे संगातु जो को ये काम करने के लिए हर टाइम भया रात को नोट नहीं सी हर टाइम तक मुझे साथ देखो हर टाइम में भी मेरे साथ में हो गो करती हैं भाई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एच डी पी आई भैया मेरा नाम कोता मुन्ना है और जो ये पॉपुलर फ्रंट एच डी ये जो काम कर रहे हैं इन लोग अपने जान हथेली पे लेके जो है काम कर रहे हैं मैं इनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत से लोगान जो है पॉलिटिक्स करके जो है उन्होंने दफनाना इन्होंने दफनाना वो बोल रहे हैं अच्छा भाई हमें नए दफना दे तुम्हारे पास हिम्मत है तुम्हें द, द, दफनाने की ताकत रखती हैं तो आ जाओ भाई कमिश्नर कहा बोलने लगाने को इतनी ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट हमारे कुछ बोलो हमें दफना लेते तुम्हारे पास हिम्मत है तो आगो तुम्हें दफना लो भाई हमें बाजू खड़ते हैं हमें मेहनत कर को हमें सब इतना परेशान है उठा को रात में तीन बजे कल हमें पोकन फुट जा को गैरान टूट को है तो भी हमें मेहनत पड़ रही है ड्राइवर नहीं है तो हमें खुद ड्राइवर बन के काम कर रहे हैं इस वक्त जो है एक सियासी आदमी जो है हमारे बहुत तो परेशान कर रहा है करे तो करे तो भाई अल्लाह उसको में देख आखिरी नहीं बोल को नहीं लेकिन जो काम पॉपुलर फ्रंट एस और मैं मैं तो उतना बड़ा पॉपुलर फ्रंट को बड़ा आदमी तो नहीं एक छोटा सा आदमी हूं मैं मैं भी उनके साथ जुड़कर काम कर रहा हूँ मैं आम आदमी से मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास ताकत रही तो आप आपको दफना लो नहीं रही तो हमारे पॉपुलर फ्रंट को को आंधे मीर कोई को अंधे आप वो इतला करो हमें तीन बजे रात को भी रेडी है हमें నేడు ఇక్కడ సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరపున ఎవరైతే కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రొటో కోవిడ్ నైన్టీన్తో మృతి చెందుతున్నారో వారి యొక్క గౌరవప్రదమైన అంతక్రియల కొరకు వాళ్ళు ఎవరైతే ఈ సమయంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ వయో మహమ్ మహమ్మారిని భయపడి వాళ్ళ యొక్క బంధువులు దహన సంస్కారాలు కానీ అంత్యక్రియలు కానీ చేయడానికి ముందుకు రావడం లేదు ఇలాంటి సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా కేరళ మహారాష్ట్ర తమిళనాడు కేరళలో ఇప్పటికే వందల సంఖ్యలో ఈ యొక్క అంత్యక్రియాలు గౌరవప్రదమైన ఏదైతే చివరిసారిగా చేసే అంత్యక్రియలు చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు కూడా కర్నూల్ నగరంలో ఇక్కడ శంశాన వాటికల్లో పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా కార్యకర్తలు ఈ యొక్క ధన సంస్కార కార్యక అంత్యక్రియల కొరకు వీడికి వచ్చి ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చాలామందిలో ఈ యొక్క అపోహ ఉంది ఇక్కడ పూర్చడం వల్ల వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుంది అది ఇదని అనేక అపోహలతో అపోహాలతో మనం చాలా చోట్ల చూస్తున్నాం పేపర్లలో సోషల్ మీడియాలలో అనేక మంది కోవిడ్ నై కోవిడ్ నైన్టీన్ మృతదేహం అంటేనే వాళ్ళని అడ్డుకోవడము వాళ్ళని బూడ్చనీయకుండా చేయడము ఇలాంటివి చేస్తున్నారు దయచేసి ఇలాంటి అపోహలు మీ మెదడు నుంచి తీసేయండి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇండియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ అందరు డాక్టర్లు వైద్యులు శాస్త్రవేత్తలు అందరూ చెప్తున్నారు ఎవరైతే కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్ చనిపోతాడో ఆరు గంటల తర్వాత అతనికి ఎలాంటి వైరస్ ఉండదు అలాంటి ఎలాంటి వైరస్ వ్యాప్తి చెందదు ఇలా ఇందులో ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు కావున ఎవరైతే బంధువులు ఈరోజు వెనుక జరుగుతున్నారో మేము సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా తరఫు నుంచి చెప్తున్నాం మీరు నిర్భయంగా ముందుకు వచ్చి మీ యొక్క పెద్దల అంతక్రియలు నిర్వహించండి ఇందులో ఎలాంటి ఇది లేదు ఒకవేళ మీరు చేయని పరిస్థితిలో పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్డిపిఐ కార్యకర్తలు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆల్వేస్ రెడీ